तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू टेक्नोजोलॉजीज अनदर एपिसोड ऑफ सैमसंग गैलेक्सी M01। तो गाइस, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी का ये मेरे पास M01 मॉडल है और फाइनली इसमें जो जुलाई का सिक्योरिटी पैच है वो आ चुका है। अगर यहाँ पे बात की जाए सिक्योरिटी पैच की, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट चलता हूँ, आपको सिक्योरिटी पैच एक बार चेकआउट करवा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो, एक सिक्योरिटी पैच यहाँ पे आ चुका है जो कि है जुलाई महीने का, और 58.69 MB का ये अपडेट है जो कि मेरे पास अभी अभी रिसीव हुआ है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर इसी वाले अपडेट के बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे एंड बताएंगे एंड्रॉइड का जो गो एडिशन है एंड्रॉइड 11 वो आपको कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो बिना देरी किए वीडियो पे अभी तक एक लाइक नहीं किए हो लाइक कर दो, और अगर आपके पास सैमसंग का गैलेक्सी M01 ये वाला मॉडल है, कोर वाला मॉडल, तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि हर महीने में हमारे तरफ से जो अपडेट्स है आपको मिलते रहेंगे। और एक चीज़ बताओ, मेरे पास ये ब्लू वाला कलर अवेलेबल है, आप कौन सा कलर यूज़ करते हो, ये चीज़ दोस्तों मुझे पर्सनली कमेंट करके आप लोग ज़रूर बता सकते हो। चलिए गाइस, आज का वीडियो शुरुआत कर लेते हैं। तो गाइस, इससे पहले जो अपडेट आया था मेरे पास, अगस्त महीने का अपडेट आया था और मैंने उसका रिव्यू भी कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जाके आप लोग देख सकते हो। कुछ फीचर्स ऐड हुए थे, कुछ कुछ फीचर्स आए भी नहीं थे, जिसके बारे में मैंने बता दिया था। इससे पहले ये जो जिप ऐप था वो भी ऐड हो चुका था, एंड उससे पहले सबसे पहला जो अपडेट था यहाँ पे दोस्तों, ऑप्टिमाइज फोन नाम का ये फीचर, ये भी दोस्तों ऐड हो चुका था, जिससे आपका डाटा क्लीनिंग वगैरह बहुत कुछ होता है। अभी डायरेक्ट हम लोग चलेंगे सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जो अपडेट आया है उसके बारे में आज बात करेंगे, एंड डायरेक्ट अपडेट करके भी मैं आपको दिखा दूंगा कि इस अपडेट में आपको कुछ देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं। हाँ, यहां पे ये जो अपडेट है, जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, 58.69 MB का ये अपडेट है एंड जुलाई का सिक्योरिटी पैच है। अपडेट कर लेते हैं, ज्यादा बक बक ना करके, मैंने बहुत टाइम आपका वेस्ट कर लिया, मुझे पता है। वैसे दोस्तों यहां पे अपडेट करने से पहले एक चीज बता दो, अपने फोन को यार 72% मैंने चार्ज करके रखा है। अपडेट या फिर रिस्टार्ट करने से पहले अपने फोन को 60% या फिर 70% से ऊपर में चार्ज रखना मैंडेटरी है, नहीं तो आपका डिवाइस क्रैश रूटेड होके एकदम डेड हो सकता है। आप फिर उस मोबाइल को कुछ भी नहीं कर पाओगे, फिर आपका पैसा पानी में चला जाएगा। तो एक चीज ध्यान में रखना, फुल चार्ज कर लेना। चलिए दोस्तों, आज का ये जो अपडेट है मैं कर लेता हूं, आप लोग वीडियो एंजॉय करते रहिए। तो फाइनली हमने जो अपडेट है उसको सक्सेसफुली अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लिया। और गाइस, अभी चलते हैं सेटिंग के अंदर, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये जुलाई का सिक्योरिटी पैच अपडेट है। डायरेक्ट यहाँ पे सिस्टम में चलते हैं एंड यहाँ पे आपको चले जाना है सॉफ्टवेयर अपडेट पे। सॉफ्टवेयर अपडेट पे जाने के बाद दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पे मेरा जो डिवाइस है उसमें दोस्तों कनेक्टिंग टू सर्वर दिखा रहा है एंड यहाँ पे ऑफिशियली आ चुका है, सॉफ्टवेयर इज़ अप टू डेट एंड डिवाइस हैज़ बीन अपडेटेड। देख सकते हो, इसको ओके कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है आपको। तो फाइनली यहाँ पे मैंने ये जो अपडेट है इसको सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया अपने फ़ोन के अंदर। एंड यहाँ पे जो अबाउट फ़ोन है वहाँ पे आपको सबसे नीचे मिल जाता है हमारा एंड्रॉयड 10 गो एडिशन। तो अभी बात आता है कि ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट है यहाँ पे, तो आपको कोई एंड्रॉयड 11 गो एडिशन देखने को नहीं मिलता। बात आता है ये कि एंड्रॉयड 11 गो एडिशन आपको कब तक देखने के लिए मिलेगा, क्या इसमें मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे आपको क्लियर कट बता दे रहा हूँ, इसके अंदर आपको एंड्रॉयड 10 का गो एडिशन अगर मिल रहा है तो एक वर्जन अपग्रेड आपको इसके अंदर ऑब्वियसली देखने को मिलेगा, और ये मिलने के लिए लगभग इस साल के लास्ट तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपको ऑब्वियसली मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं कोई कंफर्म मंथ बता रहा हूँ, क्योंकि कंपनी ने अभी तक ऑफिशियली इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया, लेकिन आपको मिलेगा, ये बात मैं यहाँ पर आपको कन्फर्म कर दे रहा हूँ। तो इस अपडेट के बारे में थोड़ा बात कर लेता है, ये जुलाई का सिक्योरिटी पैच इंस्टॉल हो चुका है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और जो ऐप्स थे दोस्तों ऐप सारे सेम है, कोई यहाँ पे अलग ऐप मुझे देखने को यहाँ पे अभी तक नहीं मिला। एंड बात की जाए नोटिफिकेशन ड्रॉयर की, यहाँ पे भी सेम टू सेम आपको चीज़ देखने के लिए मिल रहा है अपडेट के बाद से। कुछ अलग चीज़ यहाँ पे अगर बात की जाए कि ऐड हुआ है कि नहीं, तो मैं बोलूँगा कुछ नहीं ऐड हुआ है। अगर आपको देखने को मिला है तो आप कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हो। अदरवाइज इस कैमरा का एक बार क्वालिटी फिर से चेक कर लेते हैं, कैमरा क्वालिटी में कैसा यहाँ पे फोटोज़ निकल के आता है। एक फ़ोटो मैं यहाँ पे खींच लेता हूँ, देख सकते हो दोस्तों अच्छा खासा फोटोज़ यहाँ पे ये खींच सकता है। देखो शटर स्पीड सुना आपने, बहुत ही फास्ट है। पीछे में 8 MP का कैमरा मिलता है और इसका क्वालिटी आप लोग देख सकते हो डिसेंट है, और मुझे लगता है इसमें और भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए सैमसंग को। इसके अलावा एडिटर अभी तक यहाँ पे नहीं आया है,
बहुत ही सारे डिवाइसेस में सैमसंग के मिलते हैं, लेकिन इसमें अभी तक देखने के लिए नहीं मिला। तो यही थे सारे दोस्तों, कुछ फीचर्स तो ऐड नहीं हुआ इस अपडेट के अंदर। अगर फीचर ऐड होता है तो मैं आपको ऑब्वियसली बता दूंगा। एंड अगर बात की जाए वॉलपेपर्स की, तो वॉलपेपर यहाँ पे वही सारे सेम है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अलग से कुछ आपको फीचर्स देखने के लिए नहीं मिल रहा। होम सेटिंग में भी यही दोनों चीज़ था, यही था। तो इस वाले अपडेट के अंदर बस आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था कि जुलाई के अंदर ये जो अपडेट है आ चुका है, अगस्त का महीना चल रहा है, जुलाई का है, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है। तो इस डिवाइसेस के अंदर भी अभी तक सैमसंग अपडेट देते हैं, ये मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा है। तो ये वाला जो अपडेट था दोस्तों, बहुत ही छोटा अपडेट था, आप सभी लोगों के डिवाइस में ऑलरेडी आ चुका है, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो ये मैंने अपडेट कर लिया, इसका करेंट वर्जन आप लोग देख सकते हो। तो ऑब्वियसली दोस्तों ये अपडेट आप लोग कर लेना जाके, और एंड्रॉयड 11 गो एडिशन के ऊपर सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर का और एक लेटेस्ट वीडियो लाऊंगा। तो चैनल में बने रहना, मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट और एक वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आए एक लाइक मन से जरूर कर देना, और मन में कोई भी बात हो कमेंट करके भाई बता सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप लोग DM कर सकते हो, डायरेक्ट मुझे कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। तो गाइस चलिए मिलते हैं दूसरी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर के और एक लेटेस्ट एपिसोड के साथ। आज के लिए सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।